बड़वानी। राजघाट पर नर्मदा नदी में एक से डेढ़ माह के दो भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और नदी में से दोनों भ्रूण को निकालने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी नर्मदा नदी किनारे भ्रूण मिले थे। बारीकी से देखना होगा कि यह कहां से आ रहे, क्योंकि नदी में मिले हैं तो निश्चित रूप से यह कहीं से बहकर आ रहे होंगे। फिलहाल भ्रूण का परीक्षण होगा, जांच होगी, उसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि कैसे अबार्षण हुआ या जो भी हुआ। फिलहाल दोनों भ्रूण को निकालकर पुलिस की जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है की जाएगी। सूचना मिली है पुलिस को कि दो भ्रूण जो करीब एक से डेढ़ माह के हैं वो मिले हैं। पुलिस अभी मौके पर जाके जांच कर रही है और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले भी इस तरह के भ्रूण मिले थे वहाँ पर? हाँ, इसके दो महीने पहले भी इस प्रकार से एक भ्रूण मिले थे। तो ये देखने हमारा, अब इसको जो है बारीकी से देखना होगा कि भ्रूण किधर से आ रहे हैं, कहाँ से, क्योंकि नदी में है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से बह के आए हैं, तो इसका पता करना पड़ेगा। देखिए, अभी तो जो भ्रूण है उनका पूरा परीक्षण होगा, पूरी जांच होगी, उसके बाद समझ में आएगा कि भाई ये भ्रूण कैसे, मतलब इनका एबॉर्शन हुआ या जो भी कुछ हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसके बाद ही बता सकते हैं। फिलहाल भ्रूण को लेकर क्या किया जा रहा है? मौके पर पुलिस गई है और उन दोनों भ्रूण जो है उनको बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद जो वैधानिक पुलिस की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे।